आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि हमें एक नीट लेबल डायग्राम बनाना है अर्थवर्म के सर्कुलेटरी सिस्टम का। तो ये हमारा प्रॉपर एक डायग्राम है अर्थवर्म के सर्कुलेटरी सिस्टम का, जिसके अंदर हमें पूरा सर्कुलेशन समझ आएगा किस तरह से। अर्थवर्म जो है, जब मैं बात करती हूँ अर्थवर्म्स की, तो इनके अंदर ना बेसिकली कैसा सिस्टम होता है, क्लोज्ड वास्कुलर सिस्टम होता है, ठीक है। इनके अंदर क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम होता है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि जो ब्लड है वो एक क्लोज्ड ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो करेगा। अब जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा वो देख लेते हैं। इस सिस्टम के अंदर कंसिस्ट होगा, सबसे पहले ब्लड ही होगा, राइट, ब्लड होगा। इसके साथ साथ हमारे ब्लड वेसल्स होंगे। ब्लड वेसल्स के अलावा क्या होता है, कैपिलरीज होती हैं। कैपिलरीज के अलावा हमारा हार्ट होता है, राइट। तो ये कंपोनेंट्स होते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम्स के। अब ब्लड जो है वो सर्कुलेट करता है एक डायरेक्शन में कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पर जो ब्लड का फ्लो है वो कैसा होगा, यूनिडायरेक्शनल होगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब जब मैं बात करती हूँ यहाँ पे इसकी फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ सेगमेंट्स की, ठीक है, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेगमेंट्स, इनकी जब मैं बात करती हूँ तो ये सेगमेंट्स ऐसे हैं जिनके पास क्या है, ब्लड ग्लैंड्स हैं। इनके पास हैं ब्लड ग्लैंड्स। अब ये ब्लड ग्लैंड्स क्या करते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं ब्लड सेल्स एंड हीमोग्लोबिन। ये प्रोड्यूस करते हैं ब्लड सेल्स एंड हीमोग्लोबिन, ये सिक्रीट करते हैं। अब जो ब्लड सेल्स हैं उनके पास हीमोग्लोबिन तो होता नहीं है। अब इनके पास हीमोग्लोबिन नहीं है तो इसीलिए ये कैसे हैं, फैगोसिटिक हैं, दैट्स व्हाई ये सेल्स, और इसीलिए ये डिसॉल्व होते हैं ब्लड प्लाज्मा के अंदर। तो अब ये डिसॉल्व होंगे ब्लड प्लाज्मा के अंदर, राइट। यहाँ तक बात क्लियर है। अब तीन मेन वेसल्स होती हैं बेसिकली यहाँ पर अर्थवर्म के अंदर, ठीक है। मैंने बोला कि अर्थवर्म के अंदर तीन मेन वेसल्स होती हैं, तीन मेन वेसल्स जो कि सप्लाई करती हैं ब्लड को ऑर्गन तक। ये क्या करती हैं, ब्लड को सप्लाई करती हैं ऑर्गन्स तक, अर्थवर्म के ऑर्गन्स तक, राइट। अब इनमें से एक होती है हमारी एओर्टिक आर्चेस, ठीक है। ये एक ह्यूमन हार्ट की तरह फंक्शन करती है, ठीक है, ह्यूमन हार्ट की तरह फंक्शन करती है। और हमारे पास पांच, यहाँ पे अर्थवर्म के अंदर पांच पेयर होते हैं एओर्टिक आर्चेस के, यहाँ पे पांच पेयर्स होते हैं, फाइव पेयर्स, ठीक है, और फाइव पेयर्स होते हैं इनके। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी क्या होती है कि ये पंप करेंगे ब्लड को, ये पंप करेंगे ब्लड को कहाँ पर, किसके अंदर, डॉर्सल एंड वेंट्रल ब्लड वेसल्स के अंदर। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ डॉर्सल एंड वेंट्रल ब्लड वेसल्स के अंदर ये पंप करेंगे इनको, ठीक है। अब इनमें से जब मैंने बात की यहाँ पे डॉर्सल ब्लड वेसल की, ठीक है, बीवी यहाँ पर मैंने ब्लड वेसल्स को लिखा है, डॉर्सल ब्लड वेसल की जब मैं बात करती हूँ तो ये क्या करता है, ये ब्लड को लेके जाता है अर्थवर्म की बॉडी के फ्रंट पार्ट में, ठीक है। और जब मैं बात करती हूँ वेंट्रल ब्लड वेसल की तो ये क्या करता है, ये ब्लड को कैरी करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है अर्थवर्म की बॉडी के बैक में, ठीक है, बैक वाले पार्ट्स जो भी अर्थवर्म की बॉडी के, वहां पर वेंट्रल ब्लड वेसल लेके जाएगी एंड जो फ्रंट पार्ट है वहां पे डॉर्सल ब्लड वेसल। तो ये पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम था यहाँ पर इसका, और ये हमारा यहाँ पर डायग्राम है जिसके अंदर डॉर्सल वेसल, लेटरल आर्ट्स,
सुप्रा इसोफेगल वेसल्स, लेटेरो इसोफेगल हार्ट्स, वेंट्रो वेसल, एंटीरियर लूप्स, वेंट्रो टेग्यूमेंट्री वेसल्स, सब न्यूरल वेसल्स, ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स यहाँ पे अच्छे से गिवन है, पूरे 16 सेगमेंट्स तक के, ठीक है। तो अब बाकी पार्ट देख लेते हैं क्वेश्चन का। ये सर्कुलेटरी सिस्टम तो हमने पढ़ लिया कैसे कैसे होता है। देन हमसे पूछा है कि हमें अर्थवर्म के हार्ट्स डिस्कस करने हैं, राइट। तो अर्थवर्म के हार्ट्स डिस्कस कर लेते हैं। तो अर्थवर्म के अंदर क्या होता है, अब हम बात करते हैं इसके हार्ट की। तो अर्थवर्म के अंदर क्या होता है कि जो डॉर्सल एंड वेंट्रल वेसल्स हैं, डॉर्सल एंड वेंट्रल वेसल्स, ठीक है, डॉर्सल वेसल्स एंड वेंट्रल वेसल्स, ये आपस में कनेक्ट होती हैं कौन कौन सी सेगमेंट में, सेवंथ, ठीक है, सेवंथ के अलावा हमारी नाइन्थ, नाइन्थ के अलावा हमारी ट्वेल्थ एंड हमारी थर्टींथ, ठीक है। इन सेगमेंट्स के अंदर ये कनेक्ट होती हैं, ठीक है, किस तरह से, ट्रांसवर्स वेसल की हेल्प से, ट्रांसवर्स वेसल के थ्रू ये इन सेगमेंट्स में कनेक्ट होती हैं, ठीक है। और इनको कॉमनली हम क्या कहते हैं, इनको यहाँ पर कॉमनली हम कहते हैं हार्ट्स, ठीक है। अब जो एंटीरियर पार्ट होता है वो कहाँ पे सिचुएट होता है, यहाँ पे जो मैं इसके एंटीरियर पार्ट की बात करूंगी तो वो हमारा सिचुएट करता है सेवेंथ एंड नाइन्थ सेगमेंट के अंदर, ठीक है। और इनको हम कहते हैं लेटरल हार्ट्स। यहां तक बात क्लियर है। अब बात करती हूं मैं अगर हमारे वेसल्स की, ठीक है, वो वेसल्स जो कि ट्वेल्थ और थर्टींथ में, वो वेसल्स जो कि ट्वेल्थ एंड थर्टींथ सेगमेंट में है, उनको मैं क्या कहती हूँ, वो कहलाते हैं लेट्रो इसोफेगल हार्ट्स, ठीक है। और ये कम्युनिकेट करते हैं डॉर्सली, डॉर्सल एंड सुप्रा इसोफेगल वेसल्स के साथ। अब हार्ट जो है उसके पास वॉल्व्स भी होते हैं, ठीक है, जो सिंगल डायरेक्शन में ओपन होते हैं। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से अगर हम देखें तो चार लेयर होती है, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर एंड देन वास्कुलर इंटीमा। ये सब हार्ट की जो वॉल होती है अर्थवर्म की, वहां पर पाई जाती है, ठीक है। तो ये था हार्ट का स्ट्रक्चर। सो दिस इज द कंप्लीट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।